मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कल विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस के साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी को भी चौंकाया। एमपी बीजेपी ने दूसरी सूची में पहले की तरह 39 उम्मीदवारों के नाम, लेकिन बीजेपी विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद शामिल। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद राकेश सिंह, सांसद वीती पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह को बनाया विधानसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तिमनी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह को कुलस्ते को निवास और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने सतना से सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा सीट से और सीधी विधानसभा सीट से सांसद रीति पाठक को टिकट दिया। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से सांसद राकेश सिंह और गाडरवा विधानसभा सीट से सांसद उदय प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई। विजयवर्गीय ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में बताया था, मैं अभी असमंजस में था कि इसकी घोषणा कर दी गई, जिससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने उन्हें विधानसभा टिकट मिलने पर बधाई दी, बांटे मिठाइयां, पटाखे भी। कैलाश विजयवर्गीय ने समर्थकों ने इंदौर में लगाया नारा, इंदौर तो सिर्फ झांकी है, पूरा एमपी बाकी है, हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो, ये गूंजा। एक नंबर पर झांकी है, पूरा एमपी हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश जी जैसा हो, हमारा सीएम कैसा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया, कहा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी 2003 जैसी सफलता अर्जित करेगी, कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होगा। प्रहलाद पटेल ने मीडिया से मध्य प्रदेश के विषय में बात की। कमलनाथ को जब कांग्रेस का चेहरा बताते हुए उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कमलनाथ पर वो बिफर पड़े और खुद के बारे में कहा कि ये तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। थका हुआ चेहरा कांग्रेस का, धुंधला चेहरा कांग्रेस का, कालक पोता चेहरा कांग्रेस का, मैं तो कह सकता हूँ।